हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं या फिर आप मकान बना रहे हैं या बनवा रहे हैं तो उसकी कीमत हम कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मकान बनाना आज भी हम मानते हैं कि एक बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि मकान बनाना बहुत ही सरल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम बता सकते हैं आपको, और ये पूरा वीडियो इसी बेस्ड पे है कि आप मकान अगर बनवा रहे हैं तो आप उसकी कीमत कम कैसे कर सकते हैं, जिससे आपका जो है मकान, आपके पास जितना कैपिटल है, जितनी पूंजी है, उतने में आपका मकान बन के बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए और आप उसमें सुविधा से रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन भर आप लोगों के कर्ज चुकाते रहें। तो फ्रेंड्स, सीधे हम वीडियो में चलेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। इससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली चीज़ तो आप मकान जब बनवा रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर कैपिटल पूंजी होती है, तो आप उस पर चाहते हैं कि मैं जब स्टार्ट कर रहा हूँ तब इतना अच्छा लगा कि मैं पूरा खर्च करते जाऊँ। यानी कि सिंपल सी भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप जब स्टार्ट होता है तो बिल्कुल भी चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाऊं, लेकिन जैसे आपके पास धीरे धीरे पैसे ख़त्म होने लगते हैं तो आप ये उस समय सोचते हैं कि यार अब मुझे बचत करनी है, तब आप फिर बचत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब वर्किंग स्टार्ट करवा रहे हैं तो एक इंजीनियर जो है, जो उस चीज़ को समझता है, उसको आप हायर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक लेगा, लेकिन आपका उससे ज़्यादा का वो प्रॉफिट कर देता है। अगर आप खुद इंजीनियर हैं तो आप तो ये भली भांति समझ लेंगे, लेकिन अगर आप इंजीनियर नहीं हैं तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सेकंड ये आता है कि आप जब वर्क स्टार्ट करवा रहे हैं तो उस समय अगर आपको नहीं पता कि किस किस चीज़ों में पैसे लगते हैं और आपने अगर इंजीनियर को हायर नहीं किए हैं तो आप क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम होगी, ये देख लेते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम जब वर्क स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। एक कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर बनाता है फाउंडेशन से लेके ऊपर तक। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सीधे कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उन्हीं को दे देते हैं ठेका कि भाई आप ये हमारी पूंजी लीजिए और इस पे हमें एक घर बना के दे दीजिए। आपको ये नहीं पता कि घर कैसा बनेगा। आप बोलते हैं कि मुझे एक कमरा चाहिए, इसमें एक किचन चाहिए, एक पूजा का रूम चाहिए, मुझे इतनी चीज़ें आप बनाकर दे दीजिए, बाकी कितना पैसा लगेगा ये वो बता देता है आपको। तो आप सोचते हैं कि ठीक है भाई, मेरा काम हो चुका है, मेरा घर बनके तैयार हो जाएगा। वो कर क्या रहा है ये या नहीं देखते हैं, और बाद में जब कीमत आपकी बढ़ जाती है और आप लॉस में चले जाते हैं तब आपको फिर पछतावा होता है, लेकिन बाद में पछताने से होता कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मैं जो कॉलम बीम दे रहा हूँ वो परफेक्ट लोकेशन पे परफेक्ट जगह है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपका प्लाट जो है उसमें आपको 10 कॉलम लग रहे हैं और आपने 10 की जगह 12 कर दिए, एक्स्ट्रा डाल दिए कि मजबूत बनेगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ज़्यादा कॉलम देने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मजबूत बनता है कॉलम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह मैंने देखा हूँ कि भाई आप ये कॉलम लगा दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, हमें अच्छा है, मजबूत बनेगा। लेकिन मजबूत का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा कॉस्ट कर दें। फिर उसके बाद जब आप बीम कॉलम की बात आती है तो आपके पास लगती है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड ब्रिक्स। यानी कि सीमेंट आप सभी जानते हैं, रेत, गिट्टी और ईंट यानी ब्रिक्स। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने अक्सर देखा हूँ कि सीमेंट अगर आप जैसे परचेस कर रहे हैं तो आप सबसे अच्छी देखते हैं कि महंगी से महंगी सीमेंट मेरी मैं लेकर घर बनाऊँगा तो मजबूत बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महंगी सीमेंट है यानी बहुत ही अच्छी है। इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं उसको कि सीमेंट सबसे अच्छी कौन सी है। अब इसके बाद आप करते क्या हैं कि अगर एक 300-350 की सीमेंट आ रही है तो उसकी जगह आप चाहते हैं कि मैं 400 की सीमेंट लगा दूं इसमें या 350 की सीमेंट लगा दूं, जिससे मेरा घर बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन आपका ये जो छोटी छोटी चीज़ों पर ना बचाना, ये बाद में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का लॉस करा देता है आपका। और उस समय फिर आप सोचते हैं कि यार मैंने गलत किया, या फिर आप जब स्लैब का वर्क आता है लास्ट में तब आप सोचते हैं कि मैं एक बिल्कुल सस्ती सीमेंट लगाऊं, लेकिन ये चीज़ भी गलत है। जहां पर ज़रूरत थी आपने वहां पर बचाए नहीं, और जहां पर अब ज़रूरत है
वहां पर आप लगा नहीं रहे हैं तो इससे आपका घर खराब हो सकता है। इसके बाद आती है बात कि अगर आप जैसे कि ब्रिक्स ले रहे हैं, ईंट ले रहे हैं, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत ही ए क्लास गुणवत्ता की लूं, यानी बहुत ही अच्छी लूं, जो 5 रुपए की मिल रही है आपको एक ईंट, वो चाहते हैं आपकी 8 रुपए की मिले, बिल्कुल भी घूमना नहीं चाहते। डायरेक्ट आप चले जाते हैं किसी एजेंट के पास, वहां से ले लेते हैं, वो आपको थमा देता है। अगर आप कोई भी पुरानी या फिर आप किसी ऐसी जगह से ईंट लेके आ रहे हैं खराब टाइप की, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप मान लो 5 रुपए की ईंट 8 में लेके आ रहे हैं और अगर आपकी 50,000 ईंट लगती है तो एक ईंट पे 3,000 जाता है, यानी आपका सीधा सीधा यहाँ पर लॉस हो चुका है। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। और अगर आपका घर बन रहा है तो उस समय आपको ध्यान देना है कि आप जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो सरिया देते हैं, हम लोहा बांधते हैं बीम कॉलम या फिर स्लैब में, तो ये प्रॉपर दूरी पर है या नहीं। मैक्सिमम जगह मैंने ये देखा हूँ कि ध्यान देते ही नहीं हैं आप लोग कि हमें जब स्लैब है तो स्लैब में कहाँ पर देना चाहिए, कितनी दूरी पे देना चाहिए, ये नॉलेज होता नहीं। इस कारण भी आप बहुत ज़्यादा डाल देते हैं कि मजबूती हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे पास कंक्रीट होता है वो अगर आप ज़्यादा डाल दें या फिर आप लोहा ज़्यादा डाल दें तो उससे स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता। उसके लिए आपकी सीमेंट होना चाहिए जो एक प्रॉपर तरीके की हो, एक अच्छा रेशो होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके लिए प्रॉपर क्यूरिंग होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा घर बना सकते हैं या फिर आपका एक बहुत अच्छा घर बन सकता है। ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी सी। आप अगर स्लैब जैसे बनवा रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ जाती हैं। रही बात ये घर के बनने तक, फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम चलते हैं तो आपने लगभग 50-60% तो यहाँ तक अपनी पूंजी लगा चुके हैं। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है मेन, जब आपके पैसे खर्च होने लगते हैं। आपने अभी तक बहुत अच्छी चीज़ें लगा दी है, बहुत अच्छा घर बना लिए, अब यहाँ के बाद आपके हो जाते हैं लगभग 4-5 कॉन्ट्रैक्टर जो आपके रहेंगे, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल के अलग कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, आपके प्लम्बिंग के कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, टाइल्स वाले रहेंगे, आपके फिनिशिंग वर्क वाले कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे। तो ये सब आपके जब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर तो उस समय आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और तब आपका फिर पैसा खर्च होना चालू होता है। तो आप उस कंडीशन में पहुँच जाते हैं जब आपको एक्सटीरियर के लिए, इंटीरियर के लिए पैसे बचते ही नहीं और आप फिर लोन में या कर्ज में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जो बताया हूँ ये कुछ चीज़ें हैं, इन पे आपको विशेष ध्यान रखना है और कोशिश ये करना है कि आपका घर जो है वो आपके पास जितनी पूंजी है उतने में बन के कम्प्लीट हो जाए। इसलिए मेरा ये सजेशन है आपको कि एक सबसे पहले आप अच्छा सा इंजीनियर हायर कीजिए जिसको इन सभी बातों के बीच में पूरी बातों का अच्छे से नॉलेज हो, वो आपको बता सकता है कि 5 लाख लग रहे हैं या 8 लाख लग रहे हैं या 10 लाख लग रहे हैं, जितना लगे वो इंजीनियर आपको विद कैलकुलेशन उतना प्रॉपर बताएगा। आप एक अच्छे एस्टिमेट के साथ ही वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर से आप अगर जब डायरेक्ट पूछते हैं तो कुछ जगह मैंने ये देखा हूँ कि वो आपको कम कीमत बता देते हैं और वो उसके बाद फिर जब कीमत आपकी 8 लाख बता दिए और बाद में आपका जो घर है उसका बजट 10 लाख पहुँच गया तो उस समय आपकी हालत हो जाती है ख़राब। आप फिर उस समय उधारी मांगने के लायक भी नहीं बचते, इतना पैसा आपका ऑलरेडी लग चुका होता है। तो इस कारण मेरी सजेशन है आप अच्छे से इंजीनियर को कंसल्ट कीजिए, उससे बात कीजिए कि कितना पैसा लगेगा। क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं तो मैंने ऐसे बहुत सारे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स देखा हूँ जो अक्सर क्या करते हैं फ्रेंड्स कि 8 लाख बता दिए उन्होंने आपको एक प्रॉपर जो कि मतलब 8 लाख लगेगा और बाद में ये होता है कि जब आपने बोले कि यार इसमें तो 10 लाख लग रहा है तो वो उस समय ये कहते हैं कि नहीं, बोले मेरे हिसाब से तो ये है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की ये मानसिकता होती है, मैक्सिमम सभी की नहीं, कि यार मैं अगर इसको अभी ज़्यादा बता देता हूँ कि 10 लाख लगेगा, शायद इनने वर्क स्टार्ट नहीं किया तो या मुझे काम नहीं दिया तो इस कारण वो कम बताते हैं और बाद में आप लोग परेशानी में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो साइड में होगा उसे प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।